यह कहानी मनगढ़ंत है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही साधारण जीवन से कोई संबंध रखता है। यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है जिसका उद्देश्य किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवः पुत्रो। आपने हमें याद किया गुरुदेव। हाँ पुत्रो, आज लकड़ियां लाने की तुम दोनों की बारी है, सो वन में जाओ और हाँ तनिक शीघ्र लौट आना। जो आज्ञा गुरुदेव।
लगता है कोई नरभक्षी जानवर हमारी ओर चला आ रहा है। अर्जुन बाण संधान करो। अर्जुन क्या सोच रहे हो? अर्जुन बाण संधान करो। अर्जुन पर बिना देखे मैं बाण कैसे चला सकता हूं? समय नहीं है अर्जुन, शब्द वेदी बाण का प्रयोग करो। अगर वह नरभक्षी पशु नहीं निकला तो इस जंगल में कोई क्या करने आएगा? तुम बाण चलाओ अर्जुन। ठीक है। ये हमसे क्या अनर्थ हो गया? हाँ अर्जुन, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे वजह से एक निर्दोष प्राणी की जान गई है, हमें पश्चाताप करना चाहिए। पर इस पाप से मुक्त होने के लिए कोई तो उपाय होगा। वो तो गुरुदेव ही बताएंगे। अब हमें गुरुदेव के पास चलना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरुदेव क्या हुआ पुत्रो?
ये तुम दोनों ने क्या अनर्थ कर दिया? इसीलिए कहते हैं मूर्ख व्यक्तियों को ज्यादा शक्ति नहीं देना चाहिए। अब तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। ऋषि कश्यप के आश्रम में हत्यारों की कोई जगह नहीं। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, हमें आश्रम से मत निकालिए गुरुदेव, हम कहां जाएंगे गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नहीं, तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसे मैं क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकते। तुम लोग जाओ यहां से। गुरुदेव हमें छोड़कर मत जाइए गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव।